आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और इन सबके बीच नवनीत राणा का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डिडोलशी कोर्ट से नवनीत राणा और उनके पति को अवैध निर्माण मामले में बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने बीएमसी को आदेश दे दिया है कि अगली सुनवाई तक राणा दंपत्ति के खिलाफ कार्यवाही ना की जाए। दरअसल राणा दंपत्ति का मुंबई के खार इलाके में फ्लैट है, जिसमें बीएमसी ने अवैध निर्माण की बात कही। इस बार बीएमसी ने फ्लैट का मुआयना भी किया। बीएमसी की जांच में फ्लैट के अंदर कई तरह के अवैध निर्माण पाए गए, जिसके बाद बीएमसी ने राणा दंपत्ति को दो नोटिस भेजकर जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने की सूरत में बीएमसी ने कार्यवाही करने की बात भी कही। बीएमसी के नोटिस के बाद राणा दंपत्ति ने डिडोशी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अब यहाँ पर कोर्ट ने बीएमसी को किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही अगले आदेश तक ना करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में नवनीत राणा एक बड़ा नाम बन गई हैं। यहाँ पर राज ठाकरे नवनीत राणा का समर्थन कई मामलों पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख नवनीत राणा की तरफ कई मायनों में झुकता हुआ नज़र आ रहा है और फिलहाल नवनीत राणा के पक्ष में कोर्ट से जो फैसला आया है, बीएमसी को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम्स की रिपोर्ट।